वज़ीर इत्तेहाद सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मनफी और नफरतों की सियासत बहुत हो चुकी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि पूरी कौम जुड़ी रहे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। के बादशाह जो समझे जाते हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने हमेशा मुफाहमत का और यूनिटी का पैगाम दिया। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब कराची के बलदियाती इलेक्शन हुए, उन्होंने कहा कि हम सबका कराची, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुफाहमत का पैगाम देती है और चाहती है कि पूरी कौम जुड़ी रहे यूनिटी के साथ। ये जो लोग बीच में आए, जिन्होंने डिवाइड किया, जिन्होंने कोशिश की कि हम सब आपस में लड़ें, हमने लोगों को ये नहीं कहना कि जी सोशल मीडिया पे आपको जो है वो बदतमीजी का तूफान पैदा करना है। हमने लोगों को ये नहीं कहना कि जी आपको सोशल मीडिया पे जो है वो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करनी है, इदारों को निशाना बनाना है, मुखालफों को निशाना बनाना है, गालम गलौज पैदा करनी है, झूठे प्रोपेगेंडा करने हैं। हमने लोगों को इस तरफ नहीं लेके जाना। इस मुल्क का जो भी कीमती वक्त था वो हमने साजिशों में गुजारा या आपसी लड़ाइयों में गुजारा।